पीआरडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग विटामिन सी के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं विटामिन सी। तो विटामिन सी के खोजकर्ता यूजोक होलकट थे। यह विटामिन जल में घुलनशील होता है, यानी कि विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। इसका रासायनिक नाम एस्कार्बिक एसिड है, एस्कार्बिक अम्ल कहते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कार्बिक एसिड है, यानी कि इसको वैज्ञानिक नाम भी कहते हैं। एस्कार्बिक एसिड को वैज्ञानिक नाम, अगर विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो एस्कार्बिक एसिड। और इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H8O6 होता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसके अभाव में मसूड़ों से खून बहता है, दांत दर्द हो सकता है, दांत मसूड़ों में ढीले हो सकते हैं। मतलब दांत क्या हो सकते हैं? मसूड़ों में ढीले हो सकते हैं या निकल सकते हैं। मतलब अगर विटामिन सी की कमी होती है तो दांत टूटने लगते हैं। इसकी कमी के कारण भूख भी कम लगती है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो भूख भी कम लगती है। बहुत अधिक विटामिन के अभाव में स्कर्वी हो सकता है। बहुत अधिक मतलब स्कर्वी रोग कब होता है? तो जब बहुत अधिक विटामिन सी की कमी होती है तो स्कर्वी रोग होता है, और बहुत कम मात्रा में होता है। अगर विटामिन सी की कमी बहुत कम होती है तो मसूड़ों से खून निकलता है, दांत दर्द हो सकता है, और अधिक होती है तब क्या हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी के अभाव में शरीर में दूषित कीटाणुओं की वृद्धि हो सकती है। खाया हुआ खाना शरीर में पोषण नहीं कर पाना व घाव में मवाद बनना, चिड़चिड़ा स्वभाव। मतलब अगर व्यक्ति चिड़चिड़ापन स्वभाव का हो जाता है, यानी उसमें विटामिन सी की कमी हो जाती है। खून का बहना, मसूड़ों से खून आना, मवाद बहना, पक्षाघात यानी लकवा मार देना, रक्त विकार, मुंह से जो बदबू आती है वो भी विटामिन सी की कमी से आती है। पाचन क्रिया में दोष उत्पन्न होना, यानी कि पाचन क्रिया सही से नहीं होती, यानी कि विटामिन सी की कमी हो जाती है। श्वेत प्रदर, संधि जोड़ दर्द होता है, पुट्ठों की कमजोरी हो जाती है। भूख न लगना विटामिन सी ही होता है। सांस कठिनाई से आना, मतलब सांस क्या हो जाता है? फूलने लगती है, तो विटामिन सी की ही कमी होती है। चर्म रोग, गर्भपात, रक्त अल्पता, अगर थोड़ी बहुत रक्त अल्पता भी हो जाती है। इनके अलावा अल्सर का फोड़ा, यानी कि चेहरे पर दाग पड़ जाना, फेफड़े कमजोर हो जाते हैं विटामिन सी की ही कमी से। जुकाम होना, यानी कि सर्दी जुकाम होती है तो विटामिन सी की ही कमी होती है। आँख, कान, नाक रोग के एलर्जी इत्यादि होने की संभावना रहती है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, जुकाम हो जाते हैं, नाक कान आँख इसके एलर्जी रोग हो जाते हैं। इसके स्रोत हैं खट्टे रसदार फल जैसे नींबू, संतरा, मौसमी आदि। चीकू है, आंवला है, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज इत्यादि में विटामिन सी पाई जाती है। विटामिन सी का उत्सर्जन गुर्दे द्वारा होता है। रक्त प्लाज्मा में उपस्थित एस्कार्बिक अम्ल का स्तर व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ साथ कम होता रहता है। यानी कि जब व्यक्ति की आयु बढ़ती है तो रक्त प्लाज्मा में एस्कार्बिक एसिड का कम होना होते जाता है। यानी कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि व्यक्ति की अगर आयु बढ़ रही हो तो विटामिन मतलब एस्कार्बिक अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है, तो एस्कार्बिक अम्ल कम होने लगता है। सबसे अधिक विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। सबसे अधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। दाल में भी विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन ये निष्क्रिय होता है। दाल को भिगोते हैं तो दाल क्या मतलब उसमें जो विटामिन सी उपस्थित होता है वो क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। एक व्यक्ति को प्रतिदिन 60 मिलीग्राम विटामिन सी की आवश्यकता होती है। अगर ये आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।